नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज भारत एट नाइन में एक बहुत बड़ी खबर का हम खुलासा करने जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं सीओ ऑफिस गाजियाबाद में। आज हम यहां इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि एक बहुत बड़े खेल का नटवर लाल, आपने नाम तो सुना ही होगा, नटवर लाल जिंदा नहीं है। बहुत सालों पहले उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में एक और नटवर लाल पैदा हो चुका है। वो नटवर लाल जिसका नाम का खुलासा अब मैं करने जा रही हूँ, उसका नाम है डॉक्टर सुमेश राजवर्धन, जिसने दिल्ली एनसीआर के कई इलाके, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, गुरुग्राम हो, कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। 2 या 3 लाख नहीं, करोड़ों की ठगी बताई जा रही है। इसको लेकर कई ऐसे लोग हैं जो पुलिस के पास पहुंचे हैं और न्याय की गुहार लगाई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बड़े डिस्काउंट के नाम पर, जैसे कि जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं और आपको पता चले कि 40 से 50% आपको उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, ऐसे यहाँ पर लालच दिया गया। कई लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं, एक नहीं, दो नहीं, 20 से ज़्यादा गाड़ियां या 25 से ज़्यादा गाड़ियां बताई जा रही हैं लोगों ने खरीदी हैं, और फिर उन्हें पता चला कि उनके साथ तो यहां पर ठगी हुई है। खुलासा तब हुआ जब 2 दिन तक ये शख्स फ़ोन नहीं उठा रहा था। कुछ लोग इसके ऑफिस भी पहुँचे, वहाँ पर ये मौजूद नहीं था। आरोप तो ये है कि ये फरार है। हमने यहाँ पर एसएचओ साहब से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। हम सीओ ऑफिस भी आए, लेकिन हमें सीओ साहब यहाँ पर नहीं मिले। लेकिन हम लगातार इस मुहिम को, ये मुहिम ही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई और लोग भी आने वाले समय में ऐसी ठगी का शिकार हों, तो हमने ये मुहिम छेड़ी है ताकि आगे चलकर कुछ भी डिस्काउंट हो या किसी पर भी आप आंख बंद कर भरोसा ना करें। कोई भी आपको स्कीम मिलती है, कोई भी आपको कोई ऑफर देता है, तो आप पहले उसकी जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही कुछ सामान खरीदें। अगर इस शख्स की मैं बात करूं, डॉक्टर सुमेश राजवर्धन, तो इसने तमाम लालच दिए, प्रलोभन दिए, मसाले के नाम पर, मोटर्स के नाम पर, राजवर्धन मोटर्स के नाम पर, गुरुग्राम सेक्टर 66 में इसका एक शोरूम भी है। ऐसे तमाम इसने लालच दिए हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता के साथ इसकी फ़ोटो अखबारों में छप चुकी है, जिसकी कटिंग्स भी हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। तो ये शख्स पहले आपका विश्वास जीतेगा, उसके बाद आपके साथ धोखाधड़ी करेगा। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। हालांकि हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर पुलिस खुलासा करेगी। आगे कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तस्वीरें देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से शख्स ने हज़ारों लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, हज़ारों लोगों के साथ धोखाधड़ी करी है। और इसमें सिर्फ आम लोग ही नहीं, कई ऐसे नामी गिरामी लोग हैं जो कि इसकी ठगी का शिकार आसानी से हो गए हैं। तो आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम सेक्टर 7 की कोतवाली में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आज हम इसलिए यहां पर मौजूद थे ताकि हम अंदर उन अधिकारियों से बातचीत कर सके, लेकिन अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि हम इस पूरे मामले में कुछ भी कह नहीं सकते हैं। यानी कि पुलिस भी बचती हुई नजर आई है। क्या कोई राजनीतिक दबाव है, कोई प्रेशर है जिसकी वजह से पुलिस भी कुछ नहीं बोल पा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अगर इस शख्स की मैं बात करूँ, तो इस शख्स की कई ऐसी फोटोज हैं जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ है, बड़े बड़े नेताओं के साथ है, तो ऐसे में कोई भी शख्स इस शख्स पर जल्द से जल्द विश्वास कर लेता था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो आगे चलकर इतनी बड़ी ठगी का शिकार हो जाएंगे। तो ऐसे ही मासूम लोगों को इसने अपने जाल में फंसाया, बम्पर डिस्काउंट के नाम पर, गाड़ियों के नाम पर बम्पर डिस्काउंट, 40% 50% डिस्काउंट ये दिया करता था, और लालच देकर लोगों से ठगी किया करता था। आरोप तो ये है कि इसने शादी की है, और जो उसकी पत्नी है उसे ये भी नहीं पता कि इसका असली नाम क्या है, इसका गांव क्या है। पुलिस का कहना है कि वो छानबीन कर रहे हैं, लेकिन वो ऑन कैमरा कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हमारा मकसद ये है
इस खबर को उठाने का और इस जो भी ये तमाम ठगी हो रही है इसके ऊपर से पर्दा उठाने का, ताकि कुछ लोग जो ठगी का शिकार हुए हैं आगे ये शख्स और लोगों को, ऐसे मासूम लोगों को ठगी का शिकार ना बनाए, क्योंकि बात करोड़ों की है। कल भी और आज भी तमाम ऐसे लोग थे जो यहाँ पर आए थे, अपनी शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस ने आश्वासन दिया है उन लोगों को कि जल्द से जल्द इसका हम खुलासा करेंगे, लेकिन खुलासा कब तक होगा, क्योंकि अब तक पुलिस कैमरे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश जारी है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस शख्स को पकड़ा जाए और उससे पूछा जाए कि आखिर क्या वो ही मेन विलन है इस पूरी कहानी का, या फिर वो सिर्फ एक मोहरा है और ये पूरी प्लानिंग बड़े स्तर पर हो रही है, ये भी बड़ा सवाल है। जल्द से जल्द खुलासा होने की उम्मीद है, ताकि ऐसे शख्स को पकड़ा जा सके और लोग उसका शिकार ना हो। कैमरा पर्सन सरताज के साथ मैं काजोल नारायण, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ और देखते रहिए भारत एट 9।